नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। यूक्रेन रूस में युद्ध का 29वां दिन, जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से की समर्थन की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में 1930 लोगों को हुआ कोरोना, 67 संक्रमितों की हुई मौत। ओआईसी में चीन ने उठाया कश्मीर मुद्दा तो भारत ने लगाई फटकार, कहा हमारे आंतरिक मामले में दखल देने का हक नहीं। बढ़ेगी देश की मारक क्षमता, भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। बीरभूम हिंसा मामले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले उम्मीद है राज्य सरकार अपराधियों को सजा दिलाएगी। मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं। पी चिदम्बरम और उनके बेटे को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई ईडी मामले में दी नियमित जांच। कर्नाटक में मंदिरों के पास मुस्लिम दुकानदारों पर प्रतिबंध के पोस्टरों पर विवाद, सरकार ने दी सफाई। मिट्टी की सेहत का ध्यान तो दूर, जांच केंद्र खोलने में भी पिछड़ी उत्तरी राज्य, अत्यधिक दोहन से खराब हुई मिट्टी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, दिया 2 हफ्ते का समय। देश में 12 से 14 साल के 50 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। समान नागरिक संहिता पर केंद्र का रुख भी जल्द होगा साफ, सुप्रीम कोर्ट मामले में सरकार को पहले ही जारी कर चुका है नोटिस। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। यूएनएससी में रूस के लिए प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, अमेरिका बोला मॉस्को आक्रमणकारी। संजय राउत ने कहा एक पुतिन दिल्ली में बैठा है जो रोज हम पर मिसाइल दाग रहा है। विधान परिषद की 6 सीटों के लिए अब 20 उम्मीदवार, 5 प्रत्याशियों के नाम पत्र खारिज। यूपी में भाजपा विधायक रमापति शास्त्री बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी मिली। कोरोना की वजह से यूपी की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधायकों की कार्यशैली और व्यवस्थाओं को लेकर आमजन से मांगे सुझाव, जारी की ईमेल आईडी। यूपी विधानसभा
चुनाव में लचर प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम की प्रदेश और जिला स्तर की सभी इकाइयां भंग। अलीगढ़ में सपा प्रत्याशी का पर्चा हुआ खारिज, भाजपा प्रत्याशी ने खुद को घोषित किया निर्विरोध विजेता। बस्ती में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपमिश्रित रेक्टिफाइड स्प्रिट समेत चार लोग गिरफ्तार। देवरिया में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने, दीवान को जान से मारने की दी धमकी। श्रावस्ती में कायाकल्प अवार्ड योजना के अंतर्गत चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों को किया गया सम्मानित। प्रत्याशियों की जीत के लिए रणनीति बना रही भाजपा, सपा प्रत्याशी भी लगा रहे जोर आजमाइश। यूपी में पहली बार 7 सफर, अब आजीवन रखेंगे पुलिस की पिस्टल, डकैत मारने का मिलेगा इनाम। मुलायम सिंह ने कहा था इटावा मेरा दिल और आजमगढ़ धड़कन, अखिलेश के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ की परिवार पट की नजर। चालीस मिनट तक बाधित रहा दिल्ली मुरादाबाद रेल मार्ग, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने किया हंगामा। पत्नी की हत्या कर बक्सर के युवक ने यूपी में किया आत्महत्या, टूथपेस्ट के डिब्बे पर लगाया सुसाइड नोट। अंबेडकर जेल में सजा काटेगा कैराना का कुख्यात अपराधी, व्यापारी हत्याकांड में आया था सुर्खियों में। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी। अनुभवी और नए चेहरों को धामी कैबिनेट में मिली तरजीह, उम्रदराज मंत्रियों की छुट्टी। मंत्री पद की शपथ लेते ही गुम हुए नए नवेले मंत्री, सौरभ बहुगुणा का फोन, पहली बार मिली है कैबिनेट में जगह। केंद्रीय मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक कांग्रेस से बागी हुए, सतपाल महाराज को फिर मिली 2.0 में जगह। बिहार कैडर के आईएएस की पत्नी बनी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर, निभाएंगी जिम्मेदारी, पिता रहे पूर्व सीएम। नगर परिक्रमा में लिया देश विदेश की संगतों ने हिस्सा, देहरादून में दिखा आस्था का सैलाब। लिपुलेख में चीन बॉर्डर तक जाने वाली सड़क का काम पूरा, 2020 में रक्षा मंत्री ने किया था उद्घाटन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई आसान। ऐतिहासिक झंडा मेला के दौरान श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के नेतृत्व में निकाली जा रही नगर परिक्रमा। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में ली मंत्री पद की शपथ, रह चुके हैं विधानसभा स्पीकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार, हर की पौड़ी पर किया गंगा पूजन।
सरकार को विकास कार्यों के लिए जुटाना होगा अधिक धन। महिला यात्री को जबरन सीट से उठाकर वहां रखा सामान, महिला ने बच्चे को गोद में लेकर खड़े खड़े किया सफर, शिकायत के बाद तीन पर गिरी गाज। उत्तराखंड में नई सरकार के सामने नौकरशाही को साधने की चुनौती, चुनाव के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उठे सवाल। यूपी पुलिस की राह पर उत्तराखंड पुलिस, सिपाही पर हमला करने वाले फरार आरोपियों के घर की होगी कुर्की। सुशीला तिवारी अस्पताल में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लटका ताला। यूएस ने दी रूस को चेतावनी, परमाणु या रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। इमरान की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा, मगर नहीं सता रहा कोई डर, कहा ट्रंप कार्ड से जीतूंगा अविश्वास प्रस्ताव। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के, वित्तीय मदद कर रहा भारत, प्रधानमंत्री राजपक्षे ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। पुतिन के परमाणु हथियारों का तोड़ है अमेरिका की टाइगर टीम, बेहद खतरनाक तरीके से करती है काम। मानवता की मिसाल बनी दो भारतीय नन, मुसीबतें झेलकर बेघरों की सेवा में जुटी। पाकिस्तान में पापड़ वाले की हत्या कर शादी की दावत उड़ाते रहे मेहमान, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से भड़का आक्रोश। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान हुआ सतर्क, 4 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा का विस्तार कर पा रहा है विचार। यूक्रेन पर केमिकल और न्यूक्लियर अटैक की सूरत में क्या कदम उठाएगी अमेरिका, बाइडेन ले सकते हैं एक बड़ा फैसला। पाकिस्तान और चीन में मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न के खिलाफ उठी आवाज, सिंध में 67% से ज्यादा लड़कियां शिक्षा से वंचित। WHO ने जताई चिंता, कहा यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को नहीं लिया गंभीरता से। पोलैंड ने 45 रूसी डिप्लोमैट को देश से निकालने का किया फैसला, जासूसी का है आरोप। रूस ने मारियुपोल में राहत कर्मियों को बनाया बंदी, शहर में बिना दवा पानी के फंसे हैं 1 लाख लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिरा रूस का प्रस्ताव, भारत समेत 13 देशों ने बनाई दूरी। जेलेंस्की ने किया रूस के खिलाफ वैश्विक प्रदर्शन का आग्रह, कहा अपनी गलियों शहरों से ही उठाएं यूक्रेन के समर्थन में आवाज। लंदन के हाई सोसाइटी जेल में जूलियन असांजे ने रचाई शादी, सिर्फ 8 लोग हुए शामिल। कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका, पहले 5 मैच में नहीं खेल पाएंगे 2 बड़े खिलाड़ी।
पूर्व कोच शास्त्री बोले, न रोहित शर्मा जवान होंगे और ना ही विराट, अब किसी और को कप्तानी के लिए देखना होगा। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व गेंदबाज आवेश खान का खुलासा, ऋषभ पंत ने कहा था तुम्हारे पास दो मैच है, खुद को साबित करो। आईपीएल में पीयूष चावला की गेंदों पर लगे हैं सबसे ज्यादा छक्के, जडेजा, चहल और अश्विन भी लिस्ट में शामिल। स्नेह राणा की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने बांग्लादेश को हराया। मार्क वुड की जगह लखनऊ टीम में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एंड्रयू टॉयवुड, नकल बॉल की है खासियत। दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खराब मौसम की वजह से हुआ रद्द। इंग्लैंड ने एक तरफा अंदाज में जीता मैच, पाकिस्तान को 9 विकेट से दी मात। रोहित को वनडे और टेस्ट दोनों जगह हुआ नुकसान, रविंद्र जडेजा फिर बने नंबर एक ऑलराउंडर। आईपीएल में 20 बार हुआ है हैट्रिक लेने का कारनामा, दिग्गज बल्लेबाजों ने भी दिखाया है गेंद से जादू। रोहित शर्मा बोले, मुंबई इंडियंस में मैच विनर की भरमार नहीं करूंगा, नाम का खुलासा खुद देख लेना। आईपीएल के 15वें सीजन में दर्शकों की होगी वापसी, 25% दर्शकों को मिलेगी एंट्री। सीएसके की टीम को लगा झटका, ओपनिंग मैच से बाहर हुआ ऑलराउंडर मोइन अली। विराट कोहली फिर बनेंगे आरसीबी के कप्तान, आईपीएल 2022 से ठीक पहले रविचंद्रन अश्विन ने दे दिया ये बड़ा बयान। एमएस धोनी की डैडी आर्मी, जीतेगी 5वां खिताब, बाकी टीम में हो जाए सावधान। सोनी डील पर अब आसानी से होगी पूरी, इन्वेस्को ने किया फैसला। विदेश से घट गया भारतीय बिजनेस में निवेश, 2021 में डॉलर में आई कम रकम। रुचि सोया ने इश्यू से की एक तिहाई से ज्यादा कमाई, खुल रहा है आम निवेशकों के लिए ऑफर। पेट्रोल डीजल के बाद खाना पकाने वाली गैस पर भी महंगाई की मार, 1 रुपए हुई महंगी। आईपीओ में नहीं खरीद पा रहे शेयर तो म्यूचुअल फंड्स है बेहतर साधन, एक दिन में कर सकते हैं बड़ा निवेश। March 31 से और आगे नहीं बढ़ेगी अंतिम तारीख, इसके बाद लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। एमएसएमई को सशक्त बना रहा है जैम, पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू हासिल करने पर की तारीफ।
की कीमतों में आई तेजी, अब 10 ग्राम का हो गया है भाव। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने स्मार्टफोन इंश्योरेंस के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक से किया करार, मासिक प्रीमियम 1299 रुपए से शुरू। क्रूड की कीमत में एक बार फिर उछाल, रूस से सप्लाई में गिरावट के संकेतों का असर। पेटीएम में नहीं थम रही गिरावट, अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा स्टॉक। सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के निर्यात पर लगाई पाबंदी, रेफ्रिजरेटर एसी में किया जाता है इस्तेमाल। एयर इंडिया को हर रोज 20 करोड़ का हो रहा था नुकसान, अब पैसा जन कल्याण में लगेगा, सिंधिया का आया बयान। शुरुआती बढ़त के बाद फिसला बाजार, निफ्टी गिरावट के साथ 17,250 से नीचे हुआ बंद। बढ़ती लागत की वजह से एफएमसीजी कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, पैकेट साइज को 10% तक छोटा किया। सूर्या स्टारर सोरारी पोट्रू के हिंदी रीमेक में दिखेंगे अक्षय कुमार, अभिनेत्री राधिका मदान संग आएंगे नजर। बंगाली अभिनेता अभिषेक चटर्जी का 57 साल की उम्र में निधन, सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख। बेटी की कातिलों की तलाश में माई साक्षी तन्वर, नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज का ट्रेलर हुआ रिलीज। राखी सावंत ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर आप उनके दर्द को उभारेंगे तो उन्हें जलन होगी। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक को बताया अपना सच्चा उत्तराधिकारी, बेटे को ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब। शादी के 3 महीने बाद विक्की कौशल कैटरीना कैफ ने कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाई मैरिज, खास अंदाज में किया सेलिब्रेट। प्रेगनेंसी के बाद पति आनंद आहूजा के साथ सोनम कपूर ने पहली बार दी पब्लिक अपीयरेंस। जन्नत ने बचाई इमरान हाशमी का डूबता करियर, पाकिस्तान में फिल्म देखने के लिए मच गई थी भगदड़। आज है इमरान का जन्मदिन। श्रुति हासन ने बॉयफ्रेंड संग की शादी, शांतनु हजारिका ने खुद किया खुलासा। विवेक अग्निहोत्री ने एक तस्वीर के जरिए उठाया सवाल, कहा जो मरे हुए लोगों की संख्या पर बहस करते हैं उन्हें दिखाए रिपोर्ट। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।